गाइस इसके घर पे कितनी बड़ी काली छिपकली। अभी हम आए थे यहाँ तो भाई घर में एंट्री करते ही एक शेर से सामना हुआ तुम्हारे भाई का। और मैंने अंदर घर में आए तो ये पूरे गीले होते हैं, वो बारिश इतनी तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है बारिश। अभी हम निकल रहे खाटू श्याम जी के लिए। तो अभी फास्टैग वाले से पता करा है तो वो कह रहा है कि इसकी चिप खराब हो गई है। तो मैं इतनी भीड़ है आज, बहुत ही बढ़िया भीड़ मिलने वाली है और सारे भक्त। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, आइयो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, पिछला व्लॉग भैया के बर्थडे का था और उससे पिछला व्लॉग भाई प्रीति ने बनाया था। और क्या ही व्लॉग बनाया था भाई, मस्त व्लॉग बनाया था, मेरे से भी अच्छी व्लॉगिंग करी थी प्रीति ने। आई होप आपको भी पसंद आया होगा, भाई मुझे तो बहुत पसंद आया। तो भाई फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दिया के घर, यानी दिया और दीपक जी के घर जा रहे हैं अभी हम। फिर वहाँ का प्रोग्राम आगे जाने का है, कुछ आगे जाएंगे वो आपको दिखाऊंगा मैं। वीडियो में बने रहना और वीडियो को भाई पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और टाइम देखो आप, टाइम कितना हो रहा भाई, टाइम भाई 5 बज चुके हैं और अभी तक हम नहीं निकले हैं, बस निकलने वाले हैं। और मम्मी भी आ चुकी है, रीति भी तैयार हो गई है, ये रही मम्मी और ये तैयार हो चुकी है। अच्छा अभी तैयार नहीं हुई है, तैयार नहीं है भाई, अभी अभी टाइम लगेगा। तो भाई घर से निकल चुके हैं और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है और हाईवे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से 15-20 मिनट में दिया के घर पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ चल के बात करते हैं। अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, हाँ फिर उसके बाद आपको पता लगेगा हम कहाँ पर जा रहे हैं। अभी पहले दिया के घर पहुँच जाते हैं जल्दी से, पर ट्रैफिक ना मिले भाई। हम दिया के घर पहुंच चुके हैं और ये हो रही है एंट्री। ये पिंचो, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? तो भाई पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। भाई पहले शूज उतार देता हूँ फिर बात करता हूँ। गाइस हम लोग दिया के घर पे आ चुके हैं और देखिए आते ही क्या सीन हुआ है। ये देखिए, ये देखिए गाइस इसके घर पे कितनी बड़ी काली छिपकली। अभी हम आए थे यहाँ क्या करने और ये देखो छिपकली निकल, अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। गेट तो खोलो, गेट खुला हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ। प्रिंस क्या है ये? भाई बोला टक रही है शायद। अरे 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 नीचे मत गिरा देना, एक बार चेक करके आओ, चेक करके आओ बाहर। पक्का ना? थैंक यू भाई। देख क्या था, अभी चिपकी आ गई थी है, चिपकी। आपने भगाई क्यों नहीं? वो पता है कब से आपको देख रही थी है प्रिंस। प्रिंस मेरा बेटा, मेरा बेटा। मम्मी को हेलो बोल दो। आपने हेलो बोला, मुझे नहीं बोला। तो प्रिंस बाहर तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये अपना मैडम फेस, मतलब अपनी आईज सुजा के बैठी हैं। ये देखिए इनकी क्या कितनी सूज बनी हुई है। पिंचो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो करो पहले। हाय गाइस कर दो, हेलो हेलो कर दो, जल्दी बात कर दो, जल्दी कर दो। प्रिंस चलो मम्मा कर रही है, बोल दो हाय गाइस, मम्मा खोल रही है इधर तक। नहीं कर दो ना। अच्छा फेस तो कर दो एक बार, फेस जल्दी से कर दो। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? फ्रूटी। तो भाई घर में एंट्री करते ही एक शेर से सामना हुआ तुम्हारे भाई का और मैंने भगा दिया उसको। मैंने भाई मेरी भी फटती है, लेकिन ये तो चिल्ला रहे थे भाई बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मैंने फिर भी भगा दिया। प्लीज बोलो, प्लीज बोलो पहले, प्लीज मम्मा को बोलो, मम्मा को। गंदा हो गया है, गंदा मुंह में ले लिया है, गंदा ची ची ची, गंदा ये गंदा था। ये देखो भाई बार बार नीचे गिरा रहा है, ये गंदा बच्चा देखो ये। क्या कर रहा है? अभी गंदा हो गया है, गंदा हो गया। ला फेंक दो, नहीं खाना, गंदा हो गया बाबू। लाओ तो मैं फेंकू, लाओ दो, चलो दे दो मामी को, दे दो, दे दो मामी खा लेगी, दे दो मामी खा लेगी, मामी तो खा लेगी। अच्छी अच्छी, अरे अरे अरे
फेंक दिया भाई छीछी बोल के छीछी। ठीक है आ जाओ छीछी है तो आ जाओ आ जाओ। अब वीडियो दिखाओ क्या कर रहे हैं ये प्रिंस, क्या कर रहे हैं देखो ये क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ क्या कर रहे हैं प्रिंस, ये क्या कर रहे हैं, ये हैंड वॉश करके आया है प्रिंस और कर क्या रहा है। ओ ये किसके कपड़े हैं? नन्ना। नन्ना के हैं? नन्ना के कपड़े से कर रहे हो या मम्मा के हैं? किसके कपड़े हैं ये प्रिंस? मम्मा। मम्मा, मम्मा के कपड़े हैं? हाँ। अच्छा ठीक है बस हो गए हो गए। और देखिए गाइस ये बंदा आते ही पड़ गया है यहाँ पे और अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से। अभी हिलते हिलते आए दोस्त कहाँ है दोस्त, पापा दोस्त कहाँ है? शॉप। पापा दोस्त कहाँ है? शॉप पे गए। चाय शॉप। ये तो बेटा आपकी लैंग्वेज है साई शॉप। अच्छा साई शॉप ओके। साई कलेक्शन तो बोल नहीं पा रहा। हाँ तो साई शॉप है प्रिंस, वहाँ गए पापा। तो गाइस यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं प्रिंस से मिली हूँ। किससे मिली हूँ? प्रिंस से। अच्छा मैं ठीक है मैं। अच्छा ये खोल दूँ? आओ आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, आपके लग रही है ना बार बार ऊपर आ जाओ। खोल दूँ? हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के। क्यों हाथ जोड़ के बोलो? प्लीज कैसे बोलते? ये क्या प्लीज बोल के दिखाओ पहले। अच्छा एक बार बोल दो प्लीज, खोल दो हेलो बोलो सबको। लाइट लाइट बोलो हेलो बोलो हेलो गाइस बोलो। ये बोल दिया हाय गाइस भी बोल रहा है। बोल दिया भाई बोल। तो भाई इसके पिताजी आ चुके हैं और ये भाग रहा है। दोस्त कौन है? ये कौन है? मामा। हेलो जी कैसे हो? अरे बारिश पड़ रही है क्या बार? और क्या दबा के। तो भाई दीपक जी आ चुके हैं यानी प्रिंस के दोस्त पापा दोस्त पापा दोस्त पापा दोस्त। भाई ये भी बाहर आए अंदर घर में आए तो ये पूरे गीले होते हैं। देखो बारिश इतनी तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है बारिश। अभी हम निकल रहे खाटू श्याम जी के लिए। हाँ इन्होंने सरप्राइज खोल दिया, आप बता दिए भाई इन्होंने। तो हम लोग आए भाई यहाँ पर इन लोगों के साथ खाटू श्याम जी जाने के लिए। सरप्राइज नाइट में ही निकलना है। तो भाई अभी जाएंगे और नीचे जाके फिर आपको दिखाऊंगा बारिश कितनी देर है, बस अभी 5-7 मिनट में निकलने वाला। तो भाई अभी घर से आ चुके हैं बाहर और देखो रोड गीली पड़ी है, अभी बारिश बंद हुई है जस्ट। अरे देखो ये अंदर बैठे गाड़ी में समाज। बाय बाय, मेरे को नहीं लेके जाओगे? बैठो बैठो, मैं भी तो जाऊँगा ना। बैठूँ? ठीक है बैठता हूँ चलो। भाई इतनी देर से इनका वेट कर रहे हैं और ये लोग आ रहे हैं, देखो कितनी मस्ती में लेडीजों के क्या कहने भाई, देर ही करते हैं। मिल गया मैडम टाइम? चलो बहुत अच्छा है मिल गया। ये देखो बाबा, अरे बाबा आ गए भाई। प्रिंस क्या हुआ प्रिंस को? बाबा बोल रहे प्रिंस को क्या करा ये ले। तो भाई पिछले आधे घंटे से ना गाड़ी में ही घूम रहे हैं हम लोग और चारों तरफ ट्रैफिक है। अभी पीरागढ़ी की तरफ से जा रहे थे तो वहां तो दुनिया भर का जाम था भाई, तो अब यहां से निकाली हमने रानीबाग की तरफ से तो यहां भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल चुका है हमें। अभी हमें कुछ नहीं पता हम कब तक पहुंचेंगे और कितने बजे तक पहुंचेंगे श्री खाटू श्याम जी। तो अभी ट्रैफिक देखते हैं कितनी दूर तक लगा हुआ है। और यहाँ पे भाई ये बातें कर रहे हैं दीपक जी हैं, ये भी परेशान हो चुके हैं गाड़ी चला चला के। अभी तो स्टार्ट किया, अभी परेशान कैसे? ऑटोमेटिक में भी परेशान हो गए। जिस दिन सीखोगे ना उस दिन तब पता चलेगा प्रिंस क्या बंदा, ब्रेक दबाए या एक्सीलेटर दबाए। सुकून मिल जाएगा मेरे को। हाय हेलो। तो प्रिंस अपने मुझे लगता है मेरे यार दोस्त बोलते थे ना जब तू सीख ले, अब मुझे फील होता ही कि यार मेरे यार दोस्त सही बोलते थे कि भाई तू जब चलाएगा ना जब पता चलेगा, जब हम घूमने फिरने जाया करते थे कभी
लंबे लंबे सफर पे जब जब तो मैं आराम से बैठ के जाया करता था। वो कहते थे अबे सीख ले भाई, मैंने तुम होना चलाने वाले, तुम्हें सीखने के बाद अब पता चलना है, वैसे दिया को ही पता चलेगा। तो भाई जाम क्लियर हो चुका है और हम पंजाबी बाग पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल। हाय, अरे हाय करता है बाबू। तो भाई जाम पूरा क्लियर हो चुका है इधर, और उस तरफ पूरा जाम है पूरा का पूरा, और ये इधर क्लियर। ये बैठा के लेफ्ट से दबा दो, लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट, 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 लेफ्ट। ये है भाई भारत दर्शनीय पार्क। एक दिन इधर भी आएंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा मैं नहीं पता। हम जब भी आते हैं कब लोग बना देते हैं कि हाँ ये आएंगे, ये आएंगे, लेकिन कब आएंगे कुछ नहीं पता। तो भाई आप लोगों को आगे जाम देख ही रहा होगा कितना खतरनाक जाम लगा हुआ है। ये बारिश की वजह से पूरा जाम ही जाम लगा है। और आज किस्मत इतनी खराब है ना भाई, घर से जब से निकले। बहुत अच्छी किस्मत है हमारी। किस्मत तो हमारी बहुत अच्छी है जाम के मामले में कह रहा हूँ, जाम के मामले में बारिश की वजह से खराब है। ये पानी भरा हुआ है सारा, और टाइम देखो भाई कितना जाम नहीं है। 9:40 हो चुके हैं और अभी महिपालपुर भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये ट्रैफिक है जाम नहीं है। ट्रैफिक और जाम में फर्क होता है और क्या। जाम वो होता है जो रुका हुआ होता है, ट्रैफिक वो होता है जो चल रहा है। भैया सब्जी मैं घर से लाई हूँ, अचार लाई हूँ, रोटी खान दो, रोटी खा दो बस, मैं चाय पी लूंगी आपके यहाँ। भाई क्या खतरनाक पानी भरा हुआ है इस रोड पे भी और उस रोड पे भाई। पीछे तो ज्यादा निकल गया पानी भी, मैं देखा भी भाई बढ़िया वाला पानी भरा हुआ, बढ़िया वाला। लेकिन भाई ये ना शीशा थोड़ा यहाँ गंदा हो रहा है, इसको जब नीचे उतरेंगे ना रुकेंगे तब लगेंगे। देखो भाई कितना पानी भरा हुआ है, देखो फुल पानी। ये देखो बाइक वाला जा रहा है ना, देखो ये देखो सही भर रहा है भाई पानी। तो भाई अभी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, अभी दीपक जी ने ना गाड़ी का शीशा चेंज कराया, इसमें थोड़ा सा ना यहाँ कहीं डैमेज हो गया था शीशा हाईवे पर, तो इन्होंने शीशा चेंज कराया ना। तो ये फास्ट टैग हमारा मेरे हाथ में है, शीशे पर नहीं है। तो अभी फास्टैग वाले से पता करा तो वो कह रहा है कि इसमें चिप खराब हो गई है, तो मैं इसको चेक करता हूँ चिप खराब हुई है या नहीं हुई है, तो पता चल जाएगा भाई। ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, अब देखते हैं पैसे कटते हैं या नहीं कटते हैं, देखते हैं। तो भाई फाइनली हमारा फास्टैग काम कर गया, मारेगा क्या खड़ा कर रखे इसने। तो भाई अपना काम हो चुका है, फास्टैग काम कर गया। और भाई उसने झूठ बोला था अपने पैसे बनाने के लिए कि इसकी चिप खराब हो गई है, लेकिन मुझे पता था इसमें कोई चिप नहीं होती, सिर्फ जो इसका ये है ना ये सिल्वर कलर का जो है ये स्कैन होता है बस, इसमें चिप होती नहीं है कोई। तो आप भी भाई सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मेरा ब्लॉग। तो भाई रुकने का समय हो चुका है और टाइम 10:37, तो अभी हमें एक जन्नत प्योर वेज रेस्टोरेंट दिखा, एकदम जन्नत जैसा, मेरे यहाँ तो बैठ के छोड़ गए, पूरा जन्नत जैसा ही है भाई। चलो देखते हैं वो कभी रहे तो भाई। ये तो अपने पापा का दीवाना है, दोस्त दोस्त करता है, इधर उधर भागता रहा है। चलो भाई यहाँ रुक चुके हैं जन्नत ढाबा। तो भाई खाना तो हम साथ भी लाए हैं, थोड़ा ऑर्डर भी कर लेंगे, देखते हैं जैसा भी है। आ जाओ भाई। तो यहाँ सिटिंग है, बाहर बैठने की बारी बैठ जाएंगे भाई। तो भाई देखो ये अपना डिनर ना साथ में लेके आई थी ये लड़की, घर का खाना सबसे बेस्ट रहता है भाई, सबसे बेस्ट। नहीं जब हम घर गए थे ना तो बनाई रही थी दिया, तो इन्होंने बोला ले चलते हैं रास्ते में और कुछ भी ले लेंगे। नहीं सब्जी नहीं लगवानी, हमने रोटी ऑर्डर दे दिया, रोटी आ जाएगी और चाय आ जाएगी, उसके बाद खा पी के अपना निकलते हैं फिर रूट पर। और भाई मौसम तो काफ़ी अच्छा ही हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम मज़ा आ गया मौसम में। और भाई ये लाइटें देख रहे हो आप कैसे स्टार बना हुआ लाइट में, अच्छी लग रही है। देखो भाई ये कैसे शैतानियाँ कर रहा है, टेबल के नीचे से इधर से घुसता है और उधर से निकल जाता है। अब ये पकड़ूंगा मैं पिंचू को, ये भाग गया। तो भाई डिनर हमारा हो चुका है एकदम मस्त, वो दिया घर से राजमा चावल लेके आई थे ना, बहुत ही टेस्टी थे भाई। कैसे थे? बहुत टेस्टी, वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी।
बहुत ही अच्छे बनाए, वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया खा के। तो चलो भाई निकलते हैं रूट पर। आई डोंट नो। तो भाई रेस्टोरेंट के आसपास काफ़ी स्पेस है, वहाँ से आए हैं हम उस तरफ से, और ये पटौती है। तो भाई यहाँ पर, तो भाई देखो ये प्रिंस गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजा रहा है और हमें फ़ोटो क्लिक करने नहीं दी इसने। चलो भाई चलते हैं, इससे पहले बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। तो भाई अभी फ़िलहाल हमें रेस्टोरेंट से चलते ही 2 किलोमीटर आगे जाम मिल चुका है, और ये जाम शायद वही वाला है जो हमें पहले ही मिला था जब हम आए थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो भाई बहुत ही ख़तरनाक वाला जाम है, कम से कम 2 किलोमीटर लंबा। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, अभी कोशिश करते हैं भाई वहाँ सर्विस लाइन पर डाल देंगे, वो सर्विस लाइन है आगे से जगह होगी, तो नहीं तो ये जाम ऐसे ही चलता रहेगा और सर्विस लाइन पे डाल देंगे। तो भाई ये कट आ चुका है, यहाँ से ना हम कट से नीचे ले लेंगे, लेकिन कट थोड़ा खतरनाक सा है, स्पेस देखना पड़ेगा थोड़ा। क्या ढूंढ रहे हैं प्रिंस, क्या ढूंढ रहे हैं? हमेशा यही जहाँ भी मिलता है। प्रिंस कैसे बोल रहा था? शो बता दो। जॉनी जॉनी पापा ईटिंग शुगर? नो पापा। Telling a lie? No, Papa. Open your mouth. Chua. 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 Tinde? 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 तो भाई अब दूसरा टोल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ये बैरोड का टोल है, बैरोड आएगा अब आगे, तो अब चल रहे हैं, टोल क्रॉस हो रहा है भाई। गई टोल देखो, फास्टैग ऐसे लगा रखा है हमने टोल काटने के लिए, और ये ग्रीन 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 ग्रीन। तो भाई टोल दिया, रिचार्ज कर लिया था इसका? हाँ वो तो वही कर लिया था। तो चल रहे हैं भाई, अभी टाइम लगेगा और भी कम से कम 2 घंटे, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं, देखते हैं भाई कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पे। तो भाई ये देखो, ये तो गाड़ी में ढेर हो चुकी है और ये गाड़ी चला रहे हैं मस्त एकदम। ये देखो मेरी बीवी भी जगी हुई है और ये दोनों माँ बेटा ढेर भंड 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 पड़े हैं भंड। चलो भाई सफर का एंजॉय करते हुए चलते हैं हम लोग भी। तो भाई फुल ताबड़ तोड़ बारिश पड़ रही है, फुल एकदम बढ़िया वाली, पीछे भी थी आगे भी है और यहाँ भी एकदम बढ़िया वाली बारिश पड़ रही है बहुत तेज। तो भाई अभी हम रुक चुके हैं हाईवे पर और बारिश धीमी धीमी पड़ रही है। दीपक जी हो रहे, प्रीति हो रही, प्रीति की जरा पैर की ना नस पे नस चढ़ गई है भाई, तो उससे ना बैठा नहीं जा रहा था, तो फटाफट से गाड़ी रोकी हमने। ठीक है अब, ठीक है अब, है पैर ऊपर करके बैठ जाओ फिर भाई। बारिश तो हल्की हल्की है अभी भी, और पीछे तो भाई बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, बहुत तेज। तो चलो अभी तो भाई बारिश बारिश ही है और टाइम आप देख ही सकते हो, 1:30 बज रहा है, दिख नहीं रहा, 1:30 बज रहा है भाई। अभी आगे से हमें शाहपुरा से मतलब अजीतगढ़ से राइट ले लेंगे, फिर अंदर वाले रास्ते जाएंगे, और भाई बारिश ना बहुत तेज़ हो चुकी है अब। तो चलो भाई मैं तो गाड़ी में बैठ जाता हूँ, ये देखो कितनी तेज़ होगी बारिश। देखो 7,000 होगी ना, अब यहाँ से जाते जाते 7,500 हो जाएगी मतलब दिल्ली में। अच्छा 10,000 रुपये। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं रिंगस, और ये श्री श्याम निशान भवन, यहाँ से निशान उठा के यहाँ पूजा करके फिर यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। और भाई आज तो बहुत भीड़ मिलने वाली है, और आगे देखो ट्रैफिक भी लगा हुआ है, क्योंकि क्या एक आशी है, ये श्री श्याम निशान भवन है। अच्छा यहाँ पूजा होती है पहले? हाँ यहाँ से निशान उठा के पूजा कराते हैं अंदर, अंदर पूजा होती है तब यहाँ से चलता है निशान फिर। ये देखो सब निशान ले लेके आ रहे हैं ना वहाँ पे, वापस आ रहे हैं, तो पूजा करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं आराम से, वहाँ से इन्होंने लिया होगा अभी। अब वहाँ से आ रहे हैं वो लोग निशान लेके, अब यहाँ पूजा करके फिर यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। आप निशान चाहे वहाँ कोने से खरीदो, आपको यहीं आना पड़ेगा। तो भाई मतलब आज की मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितने निशान यात्री यात्रा करते हुए जा रहे हैं। स्नान भी है ना आज, स्नान भी है, हाँ बहुत बड़ा स्नान भी है आज, एकादशी का स्नान भी है, तो आज हरिद्वार और गंगा जी पे भी बहुत भीड़ होगी, वो आज में किया जाएगा, कल भी हो गया आज भी होगा। भाई
पूरा लाइटों से सजा हुआ, लेकिन कवर कर रखा है इसको भी कपड़े से। ये हो क्या गया ना वैसे? भाई इतनी भीड़ है आज, बहुत ही बढ़िया भीड़ मिलने वाली है, और सारे भक्त निशान यात्रा कर रहे हैं बढ़िया वाली, आगे तक और पीछे तक भाई, तो बहुत ही मजा आने वाला आज। और आगे डीजे जा रहा है भाई, तो भाई निशान यात्रा के साथ देखो हम, मैं सनरूफ से बाहर निकला हुआ अभी इस टाइम पे, और भाई बहुत ही मजा आ रहा है, और काफी निशान यात्रा जा रही है भाई यहाँ से, यहाँ से इस बार, और मैं तो आता रहता हूँ। तो भाई अभी टोल पर पहुंचे हैं, ये छोटा सा टोल है यहाँ पर, और देखो भाई भक्तों की भीड़, मतलब अभी इतना ट्रैफिक हो गया था ना भाई पीछे, बहुत बढ़िया वाला ट्रैफिक आप देख ही सकते हो अभी। तो भाई पिछले 15-20 मिनट से यहीं पर खड़े हैं, और हमें आगे से लेफ्ट जाना है, और बाकी जो रास्ता सीधा जा रहा है वो जा रहा है तोरण द्वार की तरफ। तो भाई बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, ये देखो पूरा भाई, तो भाई हमारी गाड़ी यहाँ पर रुक दी, और यहाँ लगा रखा है बैरिकेटर, और हमें जाना है वहाँ सामने धर्मशाला के पीछे, तो ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से मत जाओ, उधर से घूम के जाओ भाई। अब बताओ यहाँ 10 कदम पे जाना है और उधर से घूम के जाना, तो बात ठीक नहीं है ना। तो अभी इनसे बात कर रहे हैं, यहाँ से यहीं चले जाएंगे, इधर से पास में ही है 10 कदम की दूरी पर, तो वेट करते हैं भाई, देखते हैं कितनी देर में जाने देते हैं ये लोग हमें। तो भाई हमें निकलने दिया वहाँ से, और बाबा का आशीर्वाद हुआ तो हम निकल गए वहाँ से। अच्छा इस गली में कहाँ पे? हाँ यही लगा दो पार्किंग। तो भाई अभी हम रूम में पहुँच चुके हैं, लाल ऐसा रूम ये बैठे हुए हैं, और दीपक जी गए हुए गद्दा लेने के लिए, तो हमने एक गद्दा भी ले लिया है ताकि सही रहे, गद्दा ले जा रहे हैं। गाड़ी खुल जाएगी, गाड़ी वहाँ खड़ी हुई क्या करके बाहर? आ जा भाई आ जा। तो ये गद्दा ले आए, और ये रूम है छोड़ बैठी हुई है, एक उधर डला हुआ है ये सेटी टाइप, और ये बाथरूम है इधर, भैया कह रहे हैं कि चाय तो आप ये बाथरूम है भाई, काफी साफ सुथरा। तो ऐसा है रूम, तो भाई कुंडी नहीं लग रही भाई। लग गई। तो भाई दीपक जी और मैं आए हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, ये भंडारे की चाय, ब्रेड और मट्टी लगी हुई है, चाय और मट्टी मेरे हाथ में है, और दीपक जी के हाथ में चाय है। प्रिंस इधर आओ, प्रिंस इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो भाई चाय पी के फिर हम जाएंगे अपने होटल की तरफ, वो सामने अपना होटल है, और गाड़ी हमने वहाँ पार्क की है, तो चलो चाय पी के चलते हैं होटल की तरफ। और भाई उजाला भी ना थोड़ी बहुत देर में होने वाला है, क्योंकि 4:45 हो रहे हैं, तो चलो भाई चाय पी के अंदर होटल में चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर सुबह दर्शन करेंगे, और वीडियो आप वाला भी ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दूँगा। चाय का टेस्ट और मट्ठी खा के बताओ कैसी है, मज़ा आ गया ना? है बढ़िया, हम तो 2 चाय और 3-4 मट्ठी खा के आए दोनों। और ये हमारा प्रिंस, कैसे बोलोगे? हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे बोलोगे? कैसे हेलो फ्रेंड्स बोलो, जल्दी बोल के दिखाओ कैसे बोलोगे, बोल के दिखाओ जल्दी। हाँ अब बोलो, मैं अपने मामा के साथ हूँ। तो भाई ये भी ब्लॉगर बनेगा, इसका मामा ब्लॉगर बनेगा, तो ये भी बनेगा है ना। तो भाई सब अपने अपने बिस्तर पे पहुंच चुके हैं सबके सब, मेरा बिस्तर यहाँ है और प्रिंस का भी यहीं पे है, ये भी मेरे साथ ही सोएगा। तो भाई सुबह होने वाली थोड़ी बहुत देर में, और ये पार्ट 1 है, तो भाई पार्ट 2 ब्लॉग भी आप जरूर देखना, क्योंकि कल बाबा के दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। तो आज का ये ब्लॉग था भाई, आई होप आपको पसंद आएगा भाई, पसंद है तो लाइक करना, चाहते हैं तो शेयर करना, और जो चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो बहुत जल्द तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।